हेलो फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक शेयर सेलिटी जो आपके पास है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस आज के दिन देखें तो लगभग दस परसेंट तक ये शेयर गिरता हुआ नजर आया और शायद और भी यहाँ पर गिरने की कोशिश कर रहा था क्या सपोर्ट लेवल है क्या हमें अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए या हमारे पास पोजिशन है तो बेच देनी चाहिए उससे रिलेटेड बातें करेंगे बट तो बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े सबसे पहले आप सभी का स्वागत करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर एवर को बनाए रखें सब्सक्राइब uh, करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियोज आपको मिलती रहे इस वीडियो को लाइक करें दूसरे वीडियो को लाइक करें एज वेल एज कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल एज खुद की स्टडी करनी है वीडियो एक आ चुका है ऑलरेडी कार ट्रेड टैक के ऊपर जो कि ऑलरेडी अगर हम देखें तो चौबीस डाउन हो गया है तो शायद यहाँ पर और थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है नो no डाउट बट अगर हम बात करें इसमें अगर आप छह महीने दे देते दे तो ये शेयर शायद पच्चीस सौ रुपए तक हुआ, दे सकता है। तो इस की तरफ तो गो थ्रू करिए दूसरी डिफरेंट को और आपको पता चलेगी किस तरीके से आप स्टॉक को एनालाइज करके खरीद सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ चलते है और जानते हैं कैम्प से रिलेटेड देखिए आज की डेट में देखते हैं कैम्प तो कैम्प आपको पता चलेगा टेन परसेंट पर गिरता हुआ नजर आया वन मंथ की बात करूं तो देखिए वन मंथ पहले ये शेयर इस

स दिन से ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और एक महीना शेयर का गिरना काफी इनफ होता है एज वेल एज बात करें तो देखिए अच्छे शेयर की पहचान ये है कि डिविडेंड कितना डिविडेंड देता है दो हजार में डिविडेंड दिया एक बार 2021 में की बात करते तीन बार डिविडेंड यहाँ पर दे चुका है तो इस चीज को देखिए देखिए फेम में में दिया में दिया जुलाई अगस्त में दिया तो कंपनी बिजनेस कर रही है इसका मतलब ये होता है और यहाँ पर अगर हम और भी कुछ पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए थर्टी के शेयर प्रोमोटर्स का है और कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की तो कैम्स क्या करता है सबसे पहले वो जान लेते हैं देखिए कैम्स का जो सर्विस बिजनेस है वे म्यूचुअल फंड फंड के लिए काम करता हुआ नजर आता है अगर आप यहां पर इनकी जाएंगे सर्विसेज के लिए के पास तो देखिए म्यूचुअल फंड रिकनसलेशन एज वेल एज लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड पेमेंट ए आई एफ मतलब अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी डेटा वगैरह सब होता है वो सब मोस्टली यहां पर कैंप्स में ही आपको मिलता हुआ नजर आएगा इसलिए कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सर्विसज कंपनी का नाम भी है यहां पर सर्विसेज फॉर इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहां पर देखिए ई और ये सब कुछ डेटा वगैरह जो रखता है डिजिटल बैंक मैंडेड चेंजेस

स्मॉल टास्क कोई हम पेन ड्राइव से कोई एक डेटा को दूसरे डेटा पे ले जा रहे हैं ये ये किसी जो होता है के पास ये कुछ टाइम पहले पर आ, ए, ए, लास्ट मंथ में यहाँ पर या इस मंथ के स्टार्टिंग में यहाँ पर एक, एक ए, कोलाबरेशन हुआ था बिटवीन जिन्होंने लॉन्च किया था एम सेंट्रल एम सेंट्रल के बाद मतलब क्या है म्यूचुअल फंड सेंट्रल मतलब इट इज अ

इसके अलावा बात करें तो देखें यहाँ पर सोलह हजार आठ सौ इकहत्तर करोड़ काफी के रिटर्न मिलते रहे ना तो लगभग आठ सौ नौ सौ करोड़ रुपए होते समझने की जरूरत है डेट को फ्री कोई प्लेजिंग नहीं आ, पर फेस वैल्यू दस का है आगे चल के स्प्लिट भी होगा बोनस भी मिलेगा सब चीज यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी यहाँ पर अगर हम बात करें कोई यहां पर नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है यहां पर देखिए आर काफी बेहतरीन है डिओंट अच्छा खासा है डेट फ्री कंपनी है ओके यहाँ पर पूअर सेल्स ग्रोथ यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है वो, वो कोई इश्यू नहीं है बट हम यहाँ पर देखे तो देखिये सेल्स भी देखिए दो में क्वार्टरली बाइस की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक दायरे में चली यहाँ पर पेंडेमिक आया और तो म्यूचुअल फंड से लोग पैसे निकालने लग गए और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इनका काम है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर डाउन ग्रेड आता हुआ दिखाई दिया बट तो धीरे धीरे यहाँ पर म्यूचुअल फंड में पैसा आया तो ये कंपनी का बिजनेस भी चलता हुआ दिखाई दिया और आगे आगे लोग म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जैसे जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट होगा ओके इन इनको भी बिजनेस मिलता

दिए थे ऑब्वियसली बात है लोग यहां से पैसे कमा के म्यूचुअल फंड में डालेंगे हर कोई के पास टाइम नहीं है कि मार्केट में आके बैठेगा तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है यह चीज चलने वाली है और यहां पर जैसे जैसे अभी तो चार करोड़ ही आया आगे चल के और भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे और यहाँ पर म्यूचुअल फंड का काम चलता रहेगा सेल्स की बात करें सेल्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ी सी 2011-12 में थोड़ा सा कम था फिर इसका कंसिस्टेंसी के साथ एक ग्रोथ आती हुई नज़र आई और अभी की बात करें पिछले बारह महीने की हाइस्ट एवर सेल्स है नेट प्रॉफिट की बात करें वो हाइएस्ट एवर है ओके कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर डिलीवर कर रही है एज वेल एज बात करें रिजर्व्स की तो रिज़र्व्स यहाँ पर देखिए वन करोड़ रुपीज़ का रिजर्व यहाँ पर फोर करोड़ का यहाँ पर रिजर्व हो गया है

प्रथार जो भी राम आशीष ने यहाँ पर थ्री पॉइंट वन नाइन परसेंट की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें वन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ने 1.94 की वन पॉइंट नाइन फोर परसेंट पर और बनियान पार्टनर्स की तो यहाँ पर देखिए अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर नजर आ रही है तो लगभग सात आठ दस परसेंट की हिस्सेदारी पर पब्लिक के पास नजर आती है अब हम यहाँ पर बात करते हैं चार्ट पैटर्न की और चार्ट पैटर्न में आपको दिखाना चाहता हूं देखिए हमने आपको शेयर यहाँ पर बताया था विद इन अ वीक यहाँ पर शेयर ये भागता हुआ दिखाई दिया जैसे हमने लिया था शेयर यहाँ पर भागा और यहाँ पर लगभग हमें थर्टी के रिटर्न दिए बट हमने यहाँ पर बेचा नहीं ओके शेयर दोबारा यहाँ पर उसी ट्रेड पे आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें 10, 20, 30 परसेंट है अब ये, ये कंपनी जब अच्छी खासी हमें कंपनी मिली है और हम यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देके दो साल तीन साल इसे देखे अगर हम 100 परसेंट दो सौ परसेंट और तीन सौ परसेंट तक के रिटर्न कमा सकते हैं तो क्यों हम छोटे मोटे रिटर्न कमाएं तो इस चीज को याद रखिए यहाँ पर जो गिरावट हुई है लगभग 10 10 की की गिरावट गिरावट हुई है और ये क्या इंडिकेट करती है इसका मतलब है किसी बड़े म्यूचुअल फंड या किसी एच एन आईज ने या एफ आईज ने यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग कर आ, सेलिंग करी है ओके इस वजह से यहाँ पर अगर बात करें लगभग बीस लाख शेयर यहाँ पर आज के डेट में ट्रेड होते हुए दिखाई दिए और उसमें से ही पटपन हम देखे तो लगभग नाइन लाख लग शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं और आरएसआई की बात करें थर्टी सिक्स का आर एस आई है जो लास्ट टाइम हमने आर एस आई देखा था उधर से ही मार्केट ये घूमता हुआ नजर आया मार्केट दोबारा घूमता हुआ नजर आता है और मुझे सपोर्ट लेवल की बात करें तो देखिए तीन हजार पचहत्तर शेयर यहाँ पर आ सकता है क्योंकि यहाँ पर हम देखें ग्रीन कैंडल यहाँ पर सपोर्ट यही देता हुआ नजर आता है तीन हजार पचहत्तर और इधर तक यहाँ पर भी इसी में सपोर्ट नजर आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत और गिरावट हो सकती है बट वो गिरावट एक अपॉर्चुनिटी रहेगी और यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितने परसेंट के रिटर्न तो सिंपली तीस परसेंट के रिटर्न तो यहाँ पर सामने ही नजर आ रहे हैं ओके okay, यहाँ पर इकतीस सौ रुपए से लेके शेयर इकतालीस सौ रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है बट एक बार भागना शुरू करेगा तो दोबारा यहाँ पर अच्छा खासा भागता हुआ नजर आएगा तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए क्योंकि लोग यहाँ पर पैसा निकाल के दूसरे शेयरों में लगाते हुए नजर आ रहे हैं बट यहाँ पर ये यह शेयर कुछ टाइम दीजिए तीन महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है ये दोबारा इसी लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है फाइन शेयर एडवाइजर खुद की स्टडी करिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा बाकी अपने एडवाइजर खुद की स्टडी करिए आपको खुद समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको स्टॉक को पर चूज करना होता है तो यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दूसरी वीडियो को लाइक करिए